आज मैं आपके लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। आज की रेसिपी में हम इंस्टेंट लड्डू बनाना सीखेंगे, तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस गणपति आप इस लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और गणपति पापा को लड्डू का भोग लगाएं। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो लगाएंगे लड्डू का। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मावा लिया है। इस तरह से हम इसे जो है भूनेंगे। तो मैं इसे जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। अब मैंने इसमें 1/4 कप चीनी डाली है। अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ी चीनी और डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून चीनी डाली है। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती इसमें। अब मैंने 1 टीस्पून जो है केसर का दूध डाला है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमने जो है गैस से उतार लिया है। अब इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून, और धीरे धीरे करके हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। धीरे धीरे करके ही डालेंगे, सब एक साथ नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट और डाल दिया है मैंने इसमें। अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा सा और डाल रहे हैं जिससे कि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमारे डो में आ जाए। तो देखिए मैंने 3 टेबल स्पून और डाल दिए, तो टोटल मैंने 8 से 9 टेबल स्पून इसमें डेसिकेटेड कोकोनट की डाली है। अगर आपको थोड़ा सा टाइट और बनाना है तो आप इसमें और यूज़ कर सकते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसे ठंडा होने रख देंगे। तो मैंने इसे ठंडा होने रख दिया था, ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा इलायची पाउडर और डाल रही हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए इलायची का। थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स जो है मैं लेमन येलो कलर की डाल रही हूँ, और चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश और ड्राई रोज पेटल का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के काजू बादाम इसमें डाल सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। इसे हाथों की मदद से एक इसका डो बना लेंगे। जैसे ही ये एक साथ होने लगेगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा डो रेडी है, इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब इसके जो है लड्डू बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रेसिपी है, आप इसे झटपट से घर में बना सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रख के हम इसे लड्डू का शेप देंगे, और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि मुँह में रख के ही घुल जाते हैं। आप भगवान का भोग लगाएं, भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो इस तरह से हमारा लड्डू तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे इसके ऊपर। इस तरह से रोल कर लेंगे इसे। तो हमारा लड्डू एकदम रेडी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स का, नारियल का, मावा का, सबका स्वाद है। इस तरह से एक और लड्डू बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना चिकना लड्डू बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लगाएंगे और हमारा ये लड्डू एकदम रेडी है। इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप किसी और चीज़ की रेसिपी हमारे से देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, एंजॉय, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल माय व्यूअर्स। बाय बाय।